हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रमज़ान फीस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हैदराबादी दही वड़ा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए बेल का आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ पर हम एक खुले बर्तन में बेसन ले लेंगे, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। यहाँ पर अदरक लहसुन डाल दिए, ये हल्दी पाउडर हो गया, ये मिर्च पड़ेगी, साथ ही इसके नमक भी जाएगा। बेकिंग सोडा डाल दें, बेकिंग सोडा ज़्यादा भी मत डालें, कम भी मत डालें। ज़्यादा डालेंगे तो फिर हमारे पकोड़े जो है तेल बहुत ले लेंगे, तो आप उस हिसाब से डाल दें। अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर अच्छे से मिक्स करके आप जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएं, क्योंकि एकदम से पानी डाल देंगे तो फिर ना घोल जो है एकदम पतला हो जाएगा, तो इस हिसाब से आप जो है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करते रहें। एकदम पतला भी नहीं होना है, एकदम घट भी नहीं होना है। घट भी हो तो क्या हो जाता है फिर ना, बीच बीच में ना सही नहीं बनते हैं पकोड़े। देखिए इस तरह का ना लंप नहीं आना चाहिए इसमें, लंप नहीं हो, इस तरह का आप जो है मिक्स कर ले। अभी आप यहाँ पर दही ले ले, दही में हरी मिर्च पिसी हुई, हरी मिर्च है ये, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ हरी मिर्च पिसी हुई है वो मिला लें, नमक मिला लें, इसे अच्छा सा फेंट लें, अच्छा सा मिक्स कर ले, फेंट लें। हरी मिर्च आपकी मर्ज़ी है, जितनी डालना चाहे डालें, तीखा खाते हैं तो तीखा ज़्यादा डाल दें इसमें। देखें इस तरह अच्छा सा फेंट ले, थोड़ा थोड़ा पानी मिला के देखें कि आपको कितना पतला चाहिए गाढ़ा, थोड़ा सा पतला ही रखें, क्योंकि जब आप पकोड़े इसमें पकोड़ों में डालते हैं तो फिर पकोड़े भी दही चूस लेते हैं, तो थोड़ा सा ढीला ही रखना पड़ता है दही को। ये देखें मैं बताती हूँ आपको, अभी अच्छे से फेंट लें, ये चेक कर लें आप, ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। यहाँ पर ना मैं एक बोल में नॉर्मल सादा पानी ली हूँ, उसमें एक नमक, एक चमचा नमक डाल के अच्छा सा मिक्स कर ली, क्योंकि पकोड़े जब फ्राई करती हूँ ना मैं वापस इसमें लेके आके डालती हूँ। यहाँ तेल गरम कर लें और एक चम्मच की मदद से आप जो है पकोड़े डाल दें फ्राई करने के लिए। यहाँ पर ना मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। अभी हमारे रोज़े चल रहे हैं, तो रोज़ों में क्या होता है कि हमारे गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि हम भूख और प्यास की हालत में होते हैं तो हमें गुस्सा बहुत आता है। तो मैं यहाँ पर अपने आप के लिए भी ये बात है और सबके लिए है कि हम थोड़ा अपने ज़बानों पे और गुस्से पे कंट्रोल करें, क्योंकि हमारे रोज़ों का अजर जो है पूरा पूरा मिल जाए। ये देखिए अभी फ्राई हो गए हमारे पकौड़े, अभी वो फ्राई करे हुए पकौड़ों को आप जो है पानी में थोड़ी देर के लिए डालें, सोख करें पानी में। यहाँ पर हल्का सा फूल जाएंगे पकोड़े, जब फूल जाएंगे तो आप निकाल लें। इसको मैं आपको टाइम नहीं बता सकती हूँ कितना टाइम, क्योंकि वो आप देख लें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए आप इतना फूल जाना चाहिए, इसे आप जो है एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें, प्लेट में निकाल लें। जब आपको खाना होता है तो तभी जो है आप जो है इस्तेमाल करें। यहाँ पर आप तड़के की प्रिपरेशन हो रही है, यहाँ तेल डाल लें, तेल गरम कर लें, ज़ीरा, कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च, इसका तड़का लगाएंगे हम। इकट्ठे डाल दें सारा, हल्का सा लाल कर लें। यहाँ पर हल्दी जाएगी, लाल होने के बाद जो है थोड़ी सी, थोड़ी हल्दी डालें, बहुत नहीं डालें, थोड़ा सा रंग खूबसूरत लगता है दही बड़ों का। इसे आप जो है एक डिश में आप वड़े डाल के, आप दही जब खाना है आप तभी आप दही मिलाएं, दही सारा अच्छा सा डाल दें। जब बिल्कुल आप इफ्तार के लिए आप बैठने वाले हैं, 15 मिनट पहले जो है आप इस तरह वड़ों को दही में भिगा लें, उसके बाद में आप जो है तड़का लगा सकती हैं, तब का तभी आप जो है तड़का डाल दें। अच्छा सा पूरा डूब जाना चाहिए वड़े, आप हरा धनिया डाल लें इसमें, हरे धनिया की भी खुशबू अच्छी होती है, हरा धनिया डाल लें। रमज़ान में तो हमारे यहाँ रोज़ बनते हैं दही बड़े, इसके बगैर तो हमारा रमज़ान अधूरा हो जाता है।
ये तड़का डाल दें, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हमारा जो है दही बड़े तैयार हो गए। इंशाल्लाह मैं अगली रेसिपी के साथ आपसे अगली बार मुलाकात करूँगी। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ज़बान पे कंट्रोल रखिए। अल्लाह हाफिज़।